AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक्सपायरी दवा वाले बयान पर बीजेपी का साथ मिल गया है। भले ही बीजेपी और AIMIM की राजनीति अलग हो, लेकिन ओवैसी के इस बयान को बीजेपी ने हवा दे दी है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ओवैसी के बयान को सही करार दिया है और कहा कि यह सब जानते हैं कि एक्सपायरी दवा जो खाता है उसकी जान चली जाती है। बिहार की जनता आने वाले चुनाव में नीतीश जी को एक्सपायरी दवा की तरह पॉलिटिक्स के डस्टबिन में फेंक देगी। साथ ही कहा कि बिहार की जनता नीतीश को उखाड़ फेंके, उससे पहले नीतीश खुद ही आश्रम के लिए प्रस्थान कर जाए, नहीं तो RJD को धकिया कर आश्रम भेज ही देगी। बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार राजनीति में एक्सपायरी डेट की दवा है, उसकी राजनीति खत्म हो चुकी है। गोपालगंज में महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार बताए जाने के सवाल पर ओवैसी ने कहा था कि वो लालू यादव नीतीश कुमार से पूछकर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।